बाबा गरीबनाथ की कृपा से आज कितने सालों बाद पहली बार गुडुआ तीज की पूजा में तुम्हारे साथ है। आज अपने हाथों से आरती करो। अम्मा जी, आरती तो हम भी उतारेंगे गुड्डू जी की। सबूत के तौर पर खुद को पत्नी दिखाकर वीडियो तो आपने बना लिया है, लेकिन हम किसे अपनी पत्नी मानते हैं ये हम तय करेंगे। आंटी कैसी लग रही हुए? बहुत अच्छी लग रही है। अरे पीका, ये दिया कैसे बुझ गया? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? हाँ, इतना बड़ा अपशकुन हो गया, अभी तो विशेष का आरती भी करना बाकी है। अरे आंटी कमाल करती आप भी, हवा से बुझ गया होगा। इसमें अपशकुन जैसी कोई बात नहीं होती। ये पकड़ो। लो, जल गया दिया, खत्म हो गया आप शगुन। शालू आरती करो विशेष की। अरे इतना क्या सोच रही हो यार, आरती करो। इधर आओ, ऐसे फटाफट दिखाओ आरती। अरे अब करते हैं ना। देखा आंटी, हो गई ना आरती आराम से। आप भी ना नॉन इशू को इशू बना देते हो। लाओ। चलो दीदी। अरे मुस्कान, अरे आओ अंदर आओ। दीदी ये तीज पूजा श्रृंगार का सामान है और इसमें साड़ी भी है। तो तुम अकेले आई हो? नहीं, बुलबुल दीदी के साथ आई हूँ, वो दीदी बाहर खड़ी है। और हमें भी कोचिंग के लिए निकलना है। अब वैसे दादी पूछ रही थी कि आज शाम को पूजा के लिए दीदी घर आएंगी क्या? वो अगर सब मिलकर साथ में पूजा करेंगे तो? हाँ जाएगी ना, बिल्कुल जाएगी। काहे नहीं आएगी तुम्हारी दीदी? क्यों बहू? वो कहाँ है ना, उपवास है, अब पूरी रात जागरण भी करना होता है, तो तुम बहनों के साथ और माँ के साथ इसकी रात आराम से गुजर जाएगी। उसका है कि हमारे बेटे की लंबी उम्र के लिए उपवास है ना, तो हम चाहते हैं सब कुछ अच्छा से हो जाए। लेकिन माँ जी, अगर हम चले जाएंगे तो आप अकेले? हमारा मतलब है कि आपका भी तो व्रत है। अरे बहू तुम चिंता मत करो, हमारी तो आदत है सालों से अकेले पूजा करने की। और वैसे भी नियम भी यही कहता है कि बहू की पहली तीज उसके मायके में होना चाहिए, तो तुम मायके जाओ। वाह आंटी जी, क्या खेल खेला है आपने। हमें क्या पता था आप मुझे इतनी जल्दी मौका दे देंगी। पता नहीं इस रंजू ने अम्मा जी के ऊपर कौन सा काला जादू किया है। अम्मा जी को रंजू के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके सामने उनकी जबान छुरी की धार की तरह चलती है हम पर। और उसी चाकू की धार से धीरे धीरे जमाई बाबू के मन से तुम्हारा प्रेम छिल छिल के उतार रही है वो। मम्मा आप चिंता मत करो, एक बार हम रंजू और उसकी बेटियों को मात दे देंगे ना, तो वो बुढ़िया अपने आप शांत हो जाएगी। मॉम, अभी अभी शर्मा का फोन आया था,
उसने हमसे 15 दिन में पैसा लौटाने का पेपर साइन करवाया था और अब वो पैसा लौटाने का वक्त भी आ रहा है। ये सब कैसे होगा? सब कुछ हो जाएगा लक्की, चिंता मत करो। कल तक एक इन्वेस्टर शायद आ जाएगा, अगर उसके साथ डील हो गई ना तो पैसे उठा के शर्मा के मुंह पे मारेंगे और अपने बिजनेस को फिर से सेट कर देंगे। आखिर तुम्हारे डैड को भी एहसास होना चाहिए कि उनके बगैर भी हम बिजनेस संभाल सकते हैं। तुम दोनों सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दो, बाकी हम संभाल लेंगे। हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। डोंट वरी मॉम, हम दोनों भाई जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, बस इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी टेंशन है। तुम चिंता मत करो विकी, इन्वेस्टर हम ले आएंगे। रही बात उस रंजू की, तो उस रंजू की वजह से बुढ़िया की जबान बहुत चल रही है ना। उसने हमें सबके सामने दूसरी औरत कहा, देख लेना उसकी पोती शालू को हमने पूरी दुनिया के सामने दूसरी औरत नहीं बनाया ना, तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा ने। अच्छा छोड़िए, अभी मेडिसिन खा लीजिए। शालू जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हाँ, वो हमने भी व्रत रखा हुआ है। आपकी लंबी उम्र के लिए हमारी लाइफ पार्टनर है, जिंदगी भर का साथ है, निभाना तो पड़ेगा। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं विशेष जी, लेकिन ये वक्त हीरो बनने का नहीं है। वैसे भी आप काम के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, वो सब करने की भी जरूरत नहीं है। अभी तो आपकी मेडिसिन भी चल रही है ना, अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं आप, ये नहीं चलेगा, लीजिए मेडिसिन। चलो जी, एक वक्त की दवाई नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मतलब क्या हो जाएगा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। जब आप ठीक हो जाओगे, कोई त्योहार आएगा तब रख लेना ना व्रत। विशेष जी, अभी हम दोनों के लिए हम व्रत रखेंगे। अरे यार, आप भी शालू जी प्लीज, हमने कहा ना हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको हमारी कसम। ओके पार्टनर। वाओ, कितने कमाल की बात है ना यार, ये पूजा, संस्कार, संस्कृति, ये सब अलग ही विधि है। शालू, जब तुम शाम को अपने मायके जाओगी तो मुझे भी साथ लिए चलना। इसी बहाने तुम्हारी फैमिली से भी मिल लूंगी और ये सब शूट भी कर लूंगी। हाँ हाँ, रोशनी को भी लेते जाओ अपने साथ। अरे नहीं तो हमरे पीछे पड़ी रहेगी कि हमको मुजफ्फरपुर घुमाओ। अब हम कहाँ घुमा पाएंगे बताओ। हम आते हैं। बहू, आज तीज है, कल चौक चांद होगा, गणेश चतुर्थी के बाद हम विशेष के साथ खुद आएंगे तुम्हारे मायके तुमको लेने, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। हाँ जी, वो हम बस अब हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे, हमको सिर्फ फैसला सुनना तुम्हारा। हाँ के ना? शाम के दीपक का समय हो गया है, सालू विशेष नहीं आया अभी तक। थोड़ी देर में तीज की पूजा भी करनी है। अरे मुस्कान, तुमको क्या कहा था सालू ने? दीदी और जीजू आ गए। कौन है?
दादी ये रोशनी, मेरा नाम रोशनी है। एक्चुअली निर्मला आंटी और मेरी मॉम दोनों फ्रेंड्स हैं और मैं कुछ काम के सिलसिले में मुजफ्फरपुर आई हूँ। आप सब मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आप सबको जानती हूँ। आप शांति देवी? आई मीन दादी। और ये है क्यूट लिटिल टिया। और मुस्कान से तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, राइट? और आप है रंजू आंटी। और ये है बुलबुल। और आप है गुड्डू अंकल, राइट? मुझे पता चला कि आज तीज पूजा है तो मैंने सोचा कि मैं भी शालू और विशेष के साथ यहाँ आ जाऊँ, तो आ गई। एक्चुअली मेरा बहुत मन कर रहा था ये पूजा देखने का। आई होप यू ऑल डोंट माइंड इट। अच्छा किया, चलो फिर हाथ मुंह धो लो, फिर पूजा शुरू करते हैं। ओके। बहुरिया, जैसे सालू और विशेष ने पूजा की वैसे ही तुम और गुडवा भी पूजा करो। गुडवा को भी लाओ। What a beautiful house. शालू, तुम्हारा घर तो बहुत लेविश है और ये मंदिर सुपर्ब। शालू विशेष, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करो और भगवान को साक्षी मानकर दोनों प्रण लो कि जिंदगी भर साथ निभाओगे। बहुरिया, अब दोनों का मजबूत गठजोड़ करो। आज के दिन भगवान शिव पार्वती की तो पूजा होती है, साथ में पूजा करने वाले जोड़ों को शिव पार्वती का ही रूप माना जाता है। चलो अब एक दूसरे को वरमाला पहनाओगे। भैया, आज के दिन सात फेरों के साथ जो सात वचन लिए थे उनको भी याद करना होता है। विशेष, सालू की मांग भरो। अब भगवान को प्रणाम करके भगवान की आरती करो। Thank you.
अब बड़ों का आशीर्वाद भी ले लो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। जीते रहो, जीते रहो। बहुरिया, जैसे सालू और विशेष ने पूजा की वैसे ही तुम और गुडवा भी पूजा करो। क्या सोच रही हो बहुरिया, पूजा शुरू करो। गुडवा को भी लाओ। अम्मा जी रहने दीजिए ना, हर साल भी तो हम यूं अपने आप ही। देख, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। हाँ गुड्डू, देखा भगवान का चमत्कार, देखा आज वो तुम्हारे लिए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। देखा भगवान का चमत्कार, देखा आज वो तुम्हारे लिए अपने पैर।
अगर इन दोनों के भी शालू विशेष की तरह जयमाला हुई तो ललिता जी के लिए एक सबूत भी शूट हो जाएगा। लेकिन ये ललिता जी है कहाँ? हम तुम दोनों का गठजोड़ करते हैं, अभी करते हैं। बच्ची को भी अभी खत्म होना था। दोनों वरमाला ढालो एक दूसरे को। बहुरिया कहाँ सोच रही है, पहनाओ गुडुआ को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रू तुम्हारी बीबी है तो ही कौन है? ये हमारी गलती है। नहीं जी, ऐसा ना कहिए। गुडुआ, आपको गुड्डू मिश्रा से प्यार नहीं है, आपको उसके पैसे और रुतबे से प्यार है ना। ये सब हम छोड़कर जा रहे हैं। तुम हमारे लिए जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए धन्यवाद कहकर हम तुम्हारे त्याग और एहसान को कम नहीं करना चाहते। हो सके तो हमें माफ कर देना। की मांग भर तो रुक जाइए। ये सब क्या नौटंकी चल रही है, निकालो उसको। खबरदार, जो हाथ लगाए तो। अम्मा जी, हम जिंदा है, मरे नहीं है, और हमारे जीते जी हम इन दोनों को इस रूप में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुडुआ, तुम भौरिया के मांग भरो। की मांग भर तो रुक जाइए। ये सब क्या नौटंकी चल रही है, निकालो उसको। खबरदार, जो हाथ लगाए तो। अम्मा जी, हम जिंदा है, मरे नहीं है, और हमारे जीते जी हम इन दोनों को इस रूप में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुडुआ, तुम भौरिया के मांग भरो।